हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माहौरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू प्रोग्रेस अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम एंड द पोएम नेम इज स्कॉलर जिप्सी विच इज़ रिटन बाय द ग्रेट विक्टोरियन पोएट मैथ्यू आर्नॉल्ड। एंड दिस इज द 11th क्लास ऑन दिस पर्टिकुलर पोएम स्कॉलर जिप्सी एंड ऑब्वियसली दिस इज द 11th स्टेंजा ऑफ द पोएम स्कॉलर जिप्सी। आप लोग अभी तक 10 इसके स्टेंजाज और 10 क्लास देख चुके हैं, आपको पता चल गया है स्कॉलर जिप्सी में क्या चल रहा है। स्कॉलर जिप्सी जो पोएम है वो उस पोएम का आइडिया जो हमारे मैथ्यू आर्नॉल्ड है उनको आया, जो जॉन ग्लेनविले एक पोएट है, उनके जो राइटर हैं उनकी बुक द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, उनसे उनको उसका आइडिया आया पोएम का। इसमें दो ऑक्सफर्ड के स्टूडेंट हैं, स्कॉलर्स हैं वो, उनके बारे में बताया गया है। उन दोनों स्टूडेंट ने जिप्सी ज्वाइन कर लिया। जिप्सी ऐसे लोगों को बोला जाता है जो लोग अपनी लाइफ को फ्रीली जीते हैं, घूमने फिरने वाले लोग, जिनको आप बोल सकते हैं बंजारे लोग, जो कहीं भी अपना टेंट बांधा और रुक गए, नाइट स्पेंड कर ली, इधर उधर घूमते रहते हैं, अपने साथ ही अपना बोरियो बिस्तर लेकर ही चलते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारे ऑक्सफर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। उन्होंने ज्वाइन इसलिए किया है क्योंकि वो उनका वे ऑफ़ लिविंग जो है वो सीखना चाह रहे हैं और उसके बाद इस दुनिया को उनका वे ऑफ़ लिविंग सिखाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन जितना फ्री लाइफ कोई नहीं जीता जितना जिप्सी जीते हैं। इनका रहने का तरीका बहुत अच्छा है, ये अच्छे से जीते हैं, ये अपनी लाइफ को अपनी डिज़ायर से जीते हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने इसलिए क्या ज्वाइन कर लिया, जिप्सी ज्वाइन कर लिया। पर ये स्टूडेंट कभी कभी देखे जाते हैं। देखो, 200 साल पहले जॉन ग्लेनविले ने स्टोरी लिखी थी द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, और 200 साल बाद में मैथ्यू आर्नॉल्ड पोएम लिख रहे हैं स्कॉलर जिप्सी। तो मैथ्यू आर्नॉल्ड जो है वो कहीं ना कहीं जब इस बुक को रीड कर रहे थे वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग को, तो उन्होंने फील किया कि अभी भी ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के बाहर जो जगह है, एरिया है कंट्री साइड इन द सेंस थोड़ा रूरल टाइप का एरिया, वहाँ अभी भी बहुत बार किसको देखा जाता है, स्कॉलर जिप्सी को देखा जाता है। वो इस पोएम को स्टार्ट कर रहे हैं एक शेपर्ड को इन्वॉक करके। शेपर्ड को बोल रहे हैं कि जो शेपर्ड है वो इधर उधर घूमते रहते हैं, शायद उन्होंने कभी स्कॉलर जिप्सी को देखा हो। फिर उन्होंने इस पूरी पोएम में स्कॉलर जिप्सी का जो है फिज़िकल अपेरेंस भी बताया है, उसका ड्रेसिंग सेंस भी बताया है कि उसका ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल वैसा ही हो गया है जैसा जिप्सी लोग रखा करते थे। तो ये सारी डिटेल उन्होंने बताई है। आप 1 से लेकर 10 स्टेंजा तक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो पोएम आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। आज 11th स्टेंजा हम कवर अप करने वाले हैं। सो लेट्स बिगन। एट सम लोन होम स्टेड इन द कमनर हिल वेयर एट हर ओपन डोर द हाउस वाइफ डेंस दाउ हैस्ट बीन सीन और हैंगिंग ऑन अ गेट टू वॉच द थ्रेशर्स इन द मोजी बांस चिल्ड्रन हु अर्ली रेंज दीज फ्लॉप्स एंड लेट फॉर Cressers from the rills have no the eyeing all the April day, the spring pasture and the feeding kine, and mark thee when the stars come out and shine through the long dew grass move slow away. So student, एक तो इसमें क्यूमनर हिल बार बार आ रहा है। देखो, यहाँ जो जगह दी है हमारे मैथ्यू आर्नॉल्ड ने वो सारी जगह ही ऑथेंटिक है, कोई भी इमेजिनेशन की जगह नहीं है। क्यूमनर हिल इन रियल भी है और ये बार बार इस पोएम में क्यूमनर हिल का नाम आ रहा है। तो ये कह रहा है इस स्टेंजा में, एट सम लोन होम स्टेड इन द क्यूमनर हिल। क्यूमनर हिल पे जो होम स्टेड बने हुए हैं, मीन्स छोटे छोटे जो घर बने हुए हैं, होम स्टेड मीन्स जो छोटे छोटे घर बने हुए हैं, आप बोल सकते हैं कि टाइप ऑफ स्मॉल फार्म हाउस, टाइप ऑफ स्मॉल फार्म हाउस है ना। तो वहाँ पे एट सम लोन होम स्टेड इन द क्यूमनर हिल वेयर एट हर ओपन डोर द हाउस वाइफ डेंस, वहाँ ओपन डोर करे हुए गेट को खुला रख के कुछ हाउस वाइफ्स क्या कर रही है, डेंस कर रही है। डेंस इन द सेंस मेंडिंग क्लोथ विच इज़ टॉर्न, है ना, ऐसे कपड़े को सिल रही है जो फट चुका है, कहने का मतलब रफू कर रही है। डेंस का जो लिटरल मीनिंग है आप बोल सकते हैं रफू कर रही है। तो देखो, फिर से इमेजिन करो, क्यूमनर हिल है, क्यूमनर हिल पे कुछ होम स्टेड बने हुए हैं, छोटे छोटे घर बने हुए हैं, उन घरों के गेट खुले हुए हैं और वहाँ पे हाउस वाइफ घरों के दहलीज़ पे या गेट पे बैठी हुई है और कुछ क्या कर रही है, सिल रही है, रफू कर रही है, फटे हुए कपड़ों पे मेंडिंग कर रही है, ठीक है। हाउस वाइफ डांस दाउ हैस्ट बीन सीन, उन्होंने भी स्कॉलर जिप्सी को देखा है मेंडिंग करते करते, और हैंगिंग ऑन अ गेट टू वॉच द थ्रेशर्स इन द मोजी बांस, और जब वो कुछ गेट पे हैंग करती है तब उन्होंने कभी जो है किसको देखा है, स्कॉलर जिप्सी को देखा है, किन्होंने, हाउस वाइफ ने। उसके अलावा टू
और हैंगिंग ऑन अ गेट टू वॉच द थ्रेशर्स इन द मोजी बाथ. और जो थ्रेशर्स हैं, थ्रेशर्स होते हैं वो लोग जो धान को अलग करते हैं, इससे जो कचरा होता है उससे धान को अलग करते हैं, ठीक है, घास फूस से धान को अलग करने वाले लोग जो हैं थ्रेशर्स होते हैं. धान को देखो, आजकल तो मशीन आने लग गई है, थ्रेशर्स उन मशीनों को बोला जाता है धान को अलग करना करने वाले. घास फूस से धान को अलग करने वाले लोगों को क्या बोला गया है? थ्रेशर्स बोला गया है. और आजकल इनकी मशीन आने लग गई, तो ये जो थ्रेशर्स हैं इन्होंने भी अपने मोजी बांस मतलब बांस है वो स्टोर रूम जहाँ धान को इकट्ठा किया जाता है, स्टोर रूम जहाँ धान को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है. तो जब वो थ्रेशर्स अपने धान को घास फूस से अलग करके मोजी बांस में मतलब अपने स्टोर रूम में ले जाके रखते हैं, तब वो भी तुम्हें कहीं ना कहीं कभी कभी देखते हैं. अभी तक इतना आया कि क्यूमनर हिल है, क्यूमनर हिल पे छोटे छोटे घर बने हुए हैं, होमस्टेड बने हुए हैं, उन होमस्टेड के दरवाजे खुले हुए हैं, कुछ युवतियाँ बैठी हैं जो कि कपड़ों पे सिलाई कर रही है, मेंडिंग कर रही है, और वो मेंडिंग करते करते कभी कभी किसको देखती है, स्कॉलर जिप्सी को देखती है, या वो अपने गेट पे कुछ हैंग करती है तब वो स्कॉलर जिप्सी को देखती है. उसके अलावा जो थ्रेशर्स हैं जो खेत में काम करने वाले हैं और जो धान को घास फूस से अलग करने वाले लोग हैं, वो भी कभी कभी जब स्टोर रूम में उस धान को इकट्ठा कर रहे होते हैं तब तुमको देखते हैं. उसके अलावा और कौन देखते हैं? चिल्ड्रन, बच्चे. कौन से बच्चे? हु अर्ली रेंज दीज स्लोप्स एंड लेट फॉर क्रीजर्स फ्रॉम द रिल. ये एक आप बोल सकते हो कि स्वीट लीव्स हैं, स्वीट लीव्स है ना, कुछ क्रेसर्स कुछ ऐसी स्वीट लीव्स होती है. तो यहाँ क्या है? चिल्ड्रन हु अर्ली रेंज दी स्लोप्स एंड लेट फॉर क्रेजर्स फ्रॉम द हिल्स. कुछ छोटे छोटे बच्चे जो ये स्वीट सी पत्तियाँ, कुछ मीठी मीठी सी क्रेजर्स जो है वो स्वीट सी पत्तियाँ बोल सकते हो आप, टाइप ऑफ कोई फ्रूट बोल सकते हो, तो उनको लेने के लिए वो रिल्स, ये एक रिवर है जो क्यूमनर हिल पे बनी हुई है, रिवर, स्मॉल रिवर या स्ट्रीम बोल सकते हैं, है ना, रिवर है या कोई स्ट्रीम है छोटी सी, वो क्यूमनर हिल पे बनी हुई है. तो ये जो बच्चे हैं ये इस रिवर के पास में, ये जो क्रिजर्स का पेड़ है उसके पास आते हैं उसकी पत्तियों को खाने के लिए जल्दी जल्दी. चिल्ड्रन हु अर्ली रेंज दी स्लोप्स एंड लेट फॉर क्रिजर्स फ्रॉम द रिल्स. वो भी तुम्हें देखते हैं, हैव नो दी आइंग, वो तुम्हें देखते हैं. ऑल इन अप्रैल डे, है ना, अप्रैल डे मतलब अप्रैल के दिनों में तुम्हें देखते हैं. द स्प्रिंग पॉस्चर एंड द फीडिंग काइंड. उसके अलावा कुछ स्प्रिंग पॉस्चर, है ना, स्प्रिंग के टाइम में जो फीडिंग काइंड, फीडिंग करवाने वाले, स्प्रिंग पॉस्चर, स्प्रिंग में रहने वाले लोग, और उसके अलावा फीडिंग काइंड जो भेड़ बकरियों को कुछ घास फूस चराने वाले लोग जो है, एक तरह से बोल सकते हैं कि शेपर्ड, वो भी तुम्हें देखते हैं. तो चिल्ड्रन तुम्हें देखते हैं, कुछ युवतियाँ जो अपने घर पे बैठी बैठी कुछ सिलाई कर रही है वो तुम्हें देखती हैं, उसके अलावा थ्रेशर्स तुम्हें देखते हैं, उसके अलावा शेपर्ड तुम्हें देखते हैं, कुछ स्प्रिंग के टाइम में जो माली हैं फूल पौधे उगाने वाले वो तुम्हें देखते हैं. एंड मार्क्ड दी व्हेन द स्टार्स कम आउट एंड शाइन थ्रू द लॉन्ग ड्यू ग्रास मूव स्लो अवे. और वो कब देखते हैं तुम्हें? एंड मार्क्ड दी, वो तुम्हें देखते हैं, मार्क्ड दी मतलब तुम पे मार्क करते हैं. व्हेन द स्टार्स कम आउट एंड शाइन, जब शाम का टाइम हो जाता है तब तुम दिखते हो, जब कब, व्हेन द स्टार्स कम आउट, जब तारे निकल के आते हैं एंड शाइन और चमचमाते हैं, तो कब चमचमाएंगे तारे, ट्विंकलिंग कब करेंगे? जब इवनिंग का टाइम होगा तब. थ्रू द लॉन्ग ड्यू ग्रास मूव स्लो अवे, उसके बाद में थ्रू द लॉन्ग ड्यूई ग्रास, ड्यूई ग्रास मतलब जिस घास पे ओस की बूंदे लगी हुई हो, मूव स्लो अवे, वो क्या होती है? मूव हो जाती है स्लोली स्लोली. तो आपको ये समझ में आ गया, आई होप ये स्टेंजा, इसमें यही बताया गया है कि आपको जो शेप स्कॉलर जिप्सी है हमारा, उसको कौन कौन देखते हैं. तो सबसे पहले तो उसको कुछ युवतियाँ देखती हैं जिनके घर क्यूमनर हिल पे बने हुए हैं. उसके बाद में वो जो युवतियाँ हैं वो अपने गेट पे बैठी बैठी कुछ फटे हुए कपड़ों को सिल रही है. और उसके बाद जो थ्रेशर्स हैं जो धान इकट्ठा करने वाले हैं वो देखते हैं. और उसके बाद कुछ बच्चे जो नदी के किनारे कुछ मीठी पत्तियों को खाने के लिए जाते हैं वो देखते हैं.
और अप्रैल के टाइम में देखते हैं वो बच्चे, उसके अलावा स्प्रिंग के टाइम में कोई माली है या कोई शेपर्ड है वो तुमको देखते हैं, और देखते कब है, शाम के टाइम में देखते हैं जब स्टार्स कम आउट एंड शाइन। अब देखो एक बार रीड आउट करके बता दूँ, द स्कॉलर जिप्सी वॉज सीन इन द फार्म हाउस इन द क्यूमनर हिल हाउस वाइज वाइल रिपेयरिंग क्लोथ्स। रिपेयरिंग क्लोथ्स मतलब वो स्टिचिंग नहीं कर रही है, वो कपड़ों को रिपेयर कर रही है, मतलब फटे हुए कपड़ों को मैंने बता दिया कि एक तरह से रफू कर रही है। हाउस वाइफ वाइल रिपेयरिंग क्लोथ्स एट देयर डोर्स सो हिम वॉचिंग द थ्रेशरिंग ऑफ कॉर्न, है ना, और वो उसको देख रही है, और हैंगिंग ऑन अ गेट टू वॉच द थ्रेशर्स इन द मौजी बार्न्स। इसका मतलब ये भी निकाल सकते हो आप कि वो युवतियाँ देख रही है कि जो स्कॉलर जिप्सी है वो गेट से लटकते हुए थ्रेशर्स को देख रहा है, ठीक है। उसके बाद चिल्ड्रन हु कलेक्ट वाटर प्लांट्स, आप क्रेजर्स का मतलब वाटर प्लांट भी ले सकते हैं कि जो बच्चे वाटर प्लांट को कलेक्ट करते हैं। ऑल्सो सो हिम, वो भी इसको देखते हैं, उन्होंने भी देखा है इन अप्रैल, अप्रैल के महीने में कीनली ऑब्जर्विंग द ग्रेजी काउ, ग्रेजिंग काउज, उन्होंने देखा है कि वो क्या करता है, काऊ को ग्रेजिंग करता है, ग्रेजिंग काउज, काऊ को मतलब जो भेड़ बकरियां हैं उनको चराते हुए उसको देखा गया है। दिस दे सो हिम इन द पॉस्चर इवन इन द इवनिंग, वो उन्होंने सबने देखा है इसको इन द पॉस्चर इवन इन द इवनिंग, इवनिंग के टाइम में। सो आई होप आपको ये स्टेंजा भी समझ में आ गया, स्कॉलर जिप्सी का 11th स्टेंजा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 12th स्टेंजा के साथ में इसका 12th क्लास ऑब्वियसली स्कॉलर जिप्सी की आएगी, आप वन बाय वन फर्स्ट टू 11 सारे वीडियोज़ को देखें तो ही आपको पोएम समझ में आएगी। थैंक यू।